मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, और सारे यहूदिया देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए और अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था, और टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और ये प्रचार करता था, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने जो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वो पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा, और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा, और जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की, और वो वन पशुओं के साथ रहा, और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे। यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। गलील की झील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, और कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया, और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए, और वे कफरनहूम में आए, और वो तुरंत सब्त के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वो उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं परंतु अधिकारी की नाई उपदेश देता था। और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्ला कर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। वो अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। सो उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया, और वो तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया। और शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और उसका ज्वर उतर गया, और वो उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी
उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और दुष्ट आत्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थीं। और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं, क्योंकि मैं इसीलिए निकला हूं। सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उससे कहा, वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उस पर गवाही हो। परंतु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहुं ओर से लोग उसके पास आते रहे।